दर्शकों, मेरे साथ आज है हमारे रेडर। ऐसे तो हम इनको कहते हैं कि सबसे लंबे रेडर है पीकेएल के, पर आज थोड़ा लंबा चौड़ा बात करेंगे इनके साथ कि वो कैसे अपने जिंदगी में कैसे जीते हैं और क्या करते हैं वो जब भी कबड्डी नहीं खेलते। इंट्रोड्यूसिंग कमलेश झंझारिया झंझारिया वो कोई झंझारिया वो हाँ वो पैरालंपिक के प्लेयर है। और झंझारिया एक सुनील शेट्टी की गाना भी है, इसकी झनक गई है। क्या बात है कमलेश भाई, थोड़ा बताइए आपके बारे में, कहाँ से हो? मैं राजस्थान से, तो पता है आपको, लेकिन राजस्थान में जो मारवाड़ है, जो रेतीला इलाका है अपना, डिस्ट्रिक्ट है मारवाड़। हाँ, मतलब नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर डिस्ट्रिक्ट, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है जाल सुपुर्द, वहां से। हमारा देश इतना बड़ा है ना कि आप, जैसे आप बता रहे हो कि काफी लोगों को मालूम नहीं है कि आप राजस्थान से हो तो मालूम है, पर नागौर डिस्ट्रिक्ट के बाद भी। नागौर से कितना दूर रहता है आपका? नागौर से 80-90 किलोमीटर दूर है। 80-90 किलोमीटर, तो ये उससे आप पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज? पाकिस्तान बॉर्डर 300 किलोमीटर दूर है। और बाप रे बाप, बहुत दूर है। तो गांव में कैसे, मतलब क्या करते हो आप गांव में? गांव में अभी तो तीन चार साल हो गए, छुट्टी कम ही मिलती है, जाते हैं थोड़ा घर पे ही रहने की कोशिश करते हैं। इतने महीने भर की छुट्टी मिलती है, अभी महीने दो महीने। तो थोड़ा आपका दूसरे काम के बारे में बात करते हैं। कबड्डी तो खेल तो सब जानते हैं, पर कमलेश एक्चुअली फौज में भी है, तो फौज के बारे में क्या, कैसे आप फौज में गए और क्या क्या आपने, मतलब कैसे, कौन से बटालियन से हो, थोड़ा बताओगे तो। मैं जो अपनी दिल्ली में उसकी मुख्यालय है राजपूतन राइफल्स की 14 राजपूतन राइफल्स का मैं सिपाही हूँ। क्या बात, इसीलिए मेरा 10वें नंबर में 14 है। क्या बात, वो ही लॉजिक है, 14 नंबर 10 का, मतलब 14 राजरिफ का मैं जवान हूँ। पहले तो आई थिंक हमारे सबके तरफ से आपको शुक्रिया, क्योंकि आप फौज से हो, हमारी देश की रक्षा आपके हाथों में, यूमुम्बा की रक्षा भी आपके हाथों में, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है। कैसे गए आर्मी में? आर्मी से बचपन से जुनून था, क्योंकि हमारे साइड में थोड़ा वो बचपन से क्रेज है, हर गांव में फौजी हैं, तो तैयारी भी करते थे बचपन से, अपने जो सीनियर थे उनको भी देखते थे, फौज में जाना ये एक टारगेट था, फौज में जाना। फिर 2019 में फरवरी में गेम से भर्ती हुआ, वैसे तो मैं 12 फरवरी को मैं ज्वाइन कर ली मैंने कबड्डी से। हाँ, वही प्रोसेस वही थी, लेकिन जिड्डी से थे, लेकिन गेम से भर्ती थे, इतना ही था। और पूरा ट्रेनिंग सब कुछ सब इक्वल है, जिड्डी है ना, जिड्डी सेम है। और अभी क्या, आप ये सीजन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वापस एक बार दिल्ली जाएंगे सर? वापस हमारा मुख्यालय वही है जो राजपूतन, लीग में भी राजरिफ का काफी बंदे हैं, 4-5 बंदे। कौन सी टीम में खेल रहे अपनी? इसमें दो तो यूमुम्बा में सर, एक तो राहुल है और एक मंजीत दैया। हाँ, उसमें एक हरियाणा स्टीलर्स में है सुनील नरवाल, और एक और है उसमें पटना सुंदर, वो भी नया जवान है अभी। बहुत बढ़िया। घर पे कौन कौन है? मेरे दो बड़े भाई है, तीन भाई हो गए, माता पिता, तीनों की शादी भी हो रही है। और तो आपके बड़े भाई कहीं? हाँ, गुजरात में कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर ले रखा है, ठेकेदार है, मतलब देसी भाषा में। और घर पे क्या का काम? खेती बाड़ी काम, जमीन ज्यादा है। अच्छा, तो पापा जमीन संभालते हैं। मम्मी क्या आपके खेत में क्या होते हैं? खेत में देख लो सर, खरीफ में तो बाजरा, गुवार, मूंग, ये होती है ज्यादा, बारिश पे डिपेंड है। लेकिन अभी क्या है, तो ट्यूबवेल भी है कहीं, कुछ एरिया में, कुछ एरिया में नहीं है, तो उसमें सब गोड़ होती है, तो कुछ जानते भी हम, कुछ नहीं भी जानते हैं। और सौंफ भी होती है, यही होता है ज्यादातर। गेहूं घर पे खाने के लिए गेहूं घर लगता है थोड़े बहुत, घर घर के लिए। और ये आप जो भी फल फसल जो उगता है तो वो आप फिर मार्केट में बेचते हैं? हमारे गाँव में मंडी है सर। अच्छा, अभी चल रही है मंडी, वो पापा भी उसी में, मतलब कोऑपरेटिव देख से भी है पापा हमारे, तो मंडी के वो है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा का क्या नाम है? बेरूराम। क्या बेरूराम, उनको भी प्रणाम हमारे तरफ से। घर पे, और आपने कहा कि तीनों की शादी हो गई, तीनों भाई की, तो आपके दूसरे भाई उधर ही घर पे रहते हैं? हाँ, सब वही, वही फसल और सब यही काम है, फार्मिंग का काम, ट्रैक्टर वगैरह ये चलाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी शादी भी बहुत जल्दी हो गई मैंने सुना है। शादी हो गई, आपकी एक छोटा बच्चा भी है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, थोड़ा बताइए उनके बारे में। बच्चा हो गया सर, 2 साल का, बड़े वाला भी। अच्छा, तो फौज में जब ज्वाइनिंग करने वाले थे तो ठीक है।
क्या क्या नाम क्या है? यश नाम। यश, बहुत बढ़िया। यश को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छे से पापा का नाम और रोशन करे। बिल्कुल। यश क्या करता है अभी? मतलब छोटा सा तो है, 2 साल का। मतलब क्या, कैसे आप लोग तो संभाल कैसे रहे? शरारती करता है? शरारत करता है अभी ज्यादातर, तो अपने मम्मा घर पे रहता है। अच्छा। अभी 2 महीने से मम्मा घर पे ही। वाह। यहाँ आता है एक जना उसके ऊपर ही लगा रहता है संभालने के लिए। यही है सर, एक बंदा तो उसके ऊपर रहेगा, जब सोता है तभी रिलैक्स मिलता है थोड़ा बहुत भाई। न्यू मुंबा को फॉलो कर रहा है कि नहीं? वो कुछ मैच वैच समझ में आता है उसका स्पोर्ट के बारे में? अभी तो कुछ नहीं, वो खुद अपने गेम खेलता रहता है। टीवी पे देखा पापा को कभी कुछ करते? नहीं नहीं, अभी वो नहीं देख पाई था। बहुत बढ़िया। तो कहो, कुछ चाहते हो कि आप कुछ एथलीट बने या? बिल्कुल। कौन सा आप, कौन सा बचपन में आप कौन सा स्पोर्ट खेले? मैं तो क्रिकेट ज्यादा खेल रहा हूँ, लेकिन गांव में वॉलीबॉल भी खेल लेते थे कभी कभी। कबड्डी थोड़ी बाद में शुरू करी मैंने। आपकी हाइट में तो वॉलीबॉल, आप ऐसे भी कमलेश हमारे टीम में तो सबसे बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर है। इनके ये ऑपोजिशन में रहते तो हमको दिक्कत हो जाती है कि कैसे इनको कैसे हम लोग ढेले, मतलब वो स्मैश पे स्मैश मारते रहते, तो बहुत डिफिकल्ट है कमलेश के साथ वॉलीबॉल खेलना। क्रिकेट में क्या, कौन सा बैटिंग करते थे? ओपनिंग करता था डायरेक्ट। ओपनिंग करता था और भी एक दो ओवर बीच में कर लेता, जब जरूरत पड़ती थी। हाँ। और गेंदबाजी भी कर लेते। कौन आपकी फेवरेट क्रिकेटर है? अपने सहवाग वीरेंद्र सहवाग। क्या बात है, नवाब अब नजफगढ़ मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। उनका जो लैंग्वेज है खेलने की वो बहुत ऐसे, आप लगातार ओपनिंग में पकड़ के फर्स्ट में टारगेट था, आउट में फर्स्ट बॉल में लगा देने का, बस एक नंबर। बहुत अच्छा। वीरेंद्र सहवाग को कुछ बोलना चाहते हो? कुछ मैसेज है वीरेंद्र सहवाग के लिए? अब तो सर रिटायरमेंट हो गए, लेकिन अभी वो एकेडमी कर रहे हैं शायद। ठीक है, अपने इंडिया के लिए अच्छे भविष्य, कुछ अच्छे प्लेयर तैयार करें, बस यही है सर। क्या बात है। और कमलेश, ऐसे फ्री टाइम में आप क्या करते हो? सर फ्री टाइम खेलते रहते हैं सर, और फ्री टाइम और कुछ काम कभी मूवी वूवी देखना? देख लेते हैं कभी कभार। अक्षय कुमार की ज्यादा मूवी पसंद है। अक्षय कुमार उनके जरूर देखते हैं, सनी देओल, अक्षय कुमार की। सनी देओल और अक्षय कुमार, उनकी नई पिक्चर है तो जरूर देखते हैं। कौन सा पिक्चर देखा लास्ट आपने? अभी अक्षय कुमार की अभी 2-3 महीने में इतना शेड्यूल था, देखा भी नहीं। बाकी सूर्य उनसे देखनी, अभी वो भी नहीं देखी। वहाँ अपना अहमदाबाद एक बार शेड्यूल बना था, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं। सही बात, सही बात। ऐसा कोई अक्षय कुमार की कोई फेवरेट पिक्चर? हॉलीडे सर। हॉलीडे, हॉलीडे तो अभी 2-3 साल पहले आई थी, सोनाक्षी सिन्हा के साथ। जी जी जी। और कोई गाना आपको पसंद है? कैसे, किस तरह के गाने सुनते हैं आप? गाने सर पंजाबी, पंजाबी सुन गाने। कौन सा गाना आपको कुछ ऐसा पंजाबी में कुछ अगर सुनाओगे तो थोड़ा सा? दो सुना तो नहीं पाऊंगा सर। दो लाइन, दो लाइन। वो ये मुंडे पागल नहीं सारे, एपी ढिल्लो वाला गाना। एपी ढिल्लो वाला गाना। क्या बात है। कमल, वापस जाते हैं आपके गांव की तरफ। कैसे, मतलब क्या माहौल रहता है गांव में, कैसे आप बड़े हुए अगर थोड़ा बताओगे तो? गांव में सर वो ये बड़ों की थोड़ी रिस्पेक्ट ज्यादा, संस्कार उसी में आदमी पढ़ता पढ़ता है ज्यादा वो होता है। बाकी पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, खेत में आना जाना, वही उसी बड़े हो जाते हैं आदमी। आप मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे थे कि क्योंकि राजस्थान है, ड्राई एरिया बहुत ज्यादा है, वहाँ पे रेत है, तो ऐसा कुछ आप लोग कैसे, क्योंकि आप बोल रहे थे खेती यारी आप लोग का भी धंधा है वही घर पे वापस, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो बारिश का पानी वानी कैसे करते हो, वो थोड़ा बताओगे तो? राजस्थान में सर मानसून आने वाला होता है जिस टाइम जी, तो खेत, अब तो खेतों में भी हो गए, घर में तो कंपलसरी था ही पहले से ही, अब तो खेतों में भी जो टांके बना, कुछ बंदे जानते भी होंगे सर, टांके बनाते हैं जमीन में, जितने लीटर का बनाना हो तो वो खोद के ऊपर उसको पक्का करके उसको, और एक जो टांका है जैसे सर, इसके चारों ओर दीवार कर देते हैं, जिसमें कचरा कुचरा कोई जानवर ना आए उसके ऊपर, उसको बाड़ा बनने करके, फिर वो जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है एक पाइप से नीचे जमा कर लेते हैं। ओके। जिस मानसून मानसून में तो वो भर जाता है, फिर वो हम पूरे साल यूज करते हैं उस पानी को, और उस फिटकड़ी वगैरह डाल देते हैं उसमें, फिल्टर भी हो जाता है, फिल्टर भी हो जाता है। बाकी बारिश का पानी अच्छा होता है, कहते हैं पीने में। हम लोग मैं कमलेश को बोल रहा था कि हम लोग जो शहर में रहते हैं उधर तो बारिश का पानी मतलब एसिड ड्रेन होता है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं पाते। बहुत आप मतलब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में कैसे, जहाँ पे बारिश भी कम होती है, कि कैसे पानी, वाटर मैनेजमेंट करना कितना जरूरी होता है। हम साल भर का सर उसी से इकट्ठा कर लेते हैं, और जिस बार जैसे बारिश कम हुई
तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पानी जमीन में बहुत ज्यादा खारा पानी है, वो तो पी नहीं सकते हम। हाँ। तो सारा डिपेंड मौसम पे। अब की बार अच्छी बारिश हुई, अब की बार सब खुश है। ये एक्चुअली हम लोग सुनते हैं बहुत सारा कि यू नो जब हम लोग शहर में रहते हैं कि पानी का, शहर में भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर गांव में जो हमारा देश, हमारा देश ही गांव, गांव में बसता है हमारा देश, तो उसमें भी कितना डिफिकल्टी से लोग अपना जिंदगी को आगे लेके जाते हैं, तो वो भी जानने के लिए हम लोग आज ये डिस्कशन एक्चुअली कर रहे हैं। कमलेश, थोड़ा अपने अगर मम्मी पापा, मम्मी के तरफ कुछ उनके क्या, वो कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, चाहता था वो चाहते थे कि आप बने कबड्डी प्लेयर है, कुछ रिप्रेजेंट करें ऐसे नेशनल स्पोर्ट में? वही गांव में वही मम्मी का काम होता था खिलाने पिलाने का, बाकी सुबह रनिंग के दौड़ना करना वो तो चलता ही रहता है सुबह का। पापा भाई चाहता था, मेरा बड़ा भाई वो चाहता था प्लेयर बनूं। पापा आप सबसे छोटे भाई? सबसे छोटा हूँ, मेरा बड़े वाला भाई चाहता था गेम में, स्पोर्ट्स में कुछ करने। तो ये आप खुश है वो लोग कि आप? बिल्कुल हम पीकेएल कबड्डी में सबसे बड़ी लीग है, और मुझे लगता है हम, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, और ऐसा नहीं कि यू मुंबई एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, तो उनके लिए आप खेल रहे हो इस बार, क्या क्या बोलते हैं क्या वो लोग? मेरी चाहिए सर, जब से कबड्डी शुरू करी है इच्छा भी थी यू मुंबई में जाऊँ, क्या बात है, ये भी इच्छा पूरी हो गई, इतने दूर पहुंचने में बहुत बड़ी चीज है सर, देखते हैं मौका मिल जाएगा कुछ करेंगे भी, ऑफ कोर्स जब मौका मिलेगा। बड़ा भाई मेरा बहुत खुश है, पापा तो खुश बने गए सर, क्योंकि पापा इतना वो पता नहीं था पहले भाई इतना गेम में कुछ बना, भाई को पता था ये गेम, क्योंकि अंदर बाहर जाते रहते थे, तो भाई बहुत खुश है। कमलेश, अब तक तो आपको कोई ऐसा मौका मिला नहीं है, पर हम आशा रखते हैं कि आपको बहुत जल्द से जल्द मौका मिले, कैसा कुछ क्या लगता है बाहर आप बैठते हो जब ये मैचेस चलता है, तो थोड़ा अगर आप उसका फीलिंग बताओगे, क्या डिफिकल्ट तो होता है, आपको लगता है कि मेरे को जाना चाहिए अंदर, अब भी मैं जाता तो ये कर देता? बिल्कुल, वो तो सर बाहर बैठे बैठे भी लगता है और अंदर वाले पता होता है, लेकिन फर्स्ट मैच में थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो होगा सर, नया बंदा फर्स्ट टाइम खेल रहा है, तो देखते हैं फर्स्ट मैच में कैसा होगा। पर अब जो भी पहला मैच आप देखने गए हमारे साथ और बैंगलोर के साथ, जो मैच था हमारा बैंगलोर बुल्स के साथ, कैसा था वहाँ, मतलब पीकेएल में पहली बार आप आए, तो शुरू में 4-5 मिनट थोड़ा अजीब सा लग रहा था, एकदम वो लाइटिंग वगैरह, फिर जब दूसरे मैच फिर सेटलमेंट हो गया, ठीक है अब देखो सर जब मैट उतरते हैं कैसा महसूस होता है। एकदम हम चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा खेले जब भी मौका मिले, और ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि टीम में कोई दोस्त बना है ऐसा स्पेशल, कोई अच्छा दोस्त बन गया है टीम में? सर वही ज्यादातर बंदे सर पहले से ही वो जान पहचान के थे, अमूमन बंदे अपने नॉर्थ के जितने भी थे सारे जन, साउथ में अपने जिनके कुछ बंदे पहली बार मिले, प्रताप हो गया प्रताप अच्छा बंदा सर, बाकी राहुल, रिंकू सर, ये प्रिंस, ये पहले से जानते थे अपने, अजीत सब, अजीत आपके रूम पार्टनर? हाँ अजीत चाहर, अजीत चाहर, अजीत कुमार, पहले रिंकू राहुल को 4-5 साल से जानता हूँ, रिंकू को बहुत अच्छे गांधीनगर साइन में प्रैक्टिस करते थे। थोड़ा बहुत सर अजमेर में भी खेल लेते दिनेश जी को साहब के पास, और फिर गांधीनगर साई में आ गए सर, जयर को साहब जहाँ कबड्डी अगर है सर गांधीनगर साई, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर ले गए वहाँ से सर, वही 15 महीने प्रैक्टिस करी, फिर आर्मी में लग गए सर, फिर वहीं खेलने लग गए। और ऐसे कैसे मुंबई में कैसे है वो भी थोड़ा बताइए। मुंबई में सर संदीप सर आए थे ट्रायल लेने के लिए राजद्वीप में, इनकी फ्लाइट लेट हो गई थी उस दिन, किस्मत ठीक थी मेरी, 4-5 घंटे फ्लाइट डिले थी, बोले एक बार राजद्वीप में जाकर देख आता हूँ मैं, तो पिछले साल फरवरी की बात है सर ये, कोरोना लगने से पहले जस्ट मार्च में लगा था कोरोना, उस दिन ये ट्रायल लेने आए थे, मेरी ट्रायल बढ़िया गई उस दिन, उस दिन संदीप सर नाम लिख के ले गए उसी दिन से सर। और फिर कैसे कांटेक्ट किया आपको? फिर जैसे कोरोना खत्म हो गया फिर भी तुम कांटेक्ट, कोरोना आ गया तो कम हो गया, फिर जैसे कोरोना खत्म हुआ तो फिर वापस फोन पे कांटेक्ट हुआ भाई, फिर साइन करवाए हमने, फिर साइन कर दिए, डॉक्यूमेंट भेज दिए फिर आपके ऑफिस में बॉम्बे। पर ये तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली, ये कैसे फ्लाइट डिले होने की वजह से कमलेश अभी मेरे साथ बैठ के खेल रहा है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टोरी। कमलेश, कुछ ऐसा दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हो आप, कुछ अपने फैंस जो देख रहे इंटरव्यू देखेंगे?
सर अभी तो वही सर कोविड का टाइम चल रहा है, तो यह है सर अपने सुरक्षित रहे हैं। वो घर पे जो सरकारी गाइडलाइन है उसके लिए वो पालन करें। और तो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू कमलेश सर। और आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, आपके लाइफ के बारे में थोड़ा जानने को मिला। हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग सही सलामत रहे घर पे सबको, हमारे तरफ से, पूरी उम्बा टीम के तरफ से। और देखते फिर, हम श्योर जैसे ही मौका मिलेगा एकदम बाजी पलट दो क्या। बिल्कुल सर, कुछ करना है एकदम। थैंक यू कमलेश, थैंक यू।